गरियाबंद जिले के अंतिम छोर में बसे विकासखंड देवभोग के ग्राम पंचायत दीवानमुड़ा में सीसी सड़क का निर्माण होना था कहीं और, लेकिन पंचायत के जिम्मेदारों ने सड़क बना दी कहीं और। इससे वहां के ग्रामीणों में गांव के सरपंच के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है। गरियाबंद जिले के अंतिम छोर में बसे विकासखंड देवभोग के ग्राम पंचायत दीवानमुड़ा में सीसी सड़क का निर्माण पूरित घर से ठाकुरानी मंदिर तक होना था और सरकारी दस्तावेजों का ऑनलाइन जानकारी के अनुसार वह दीवानमुड़ा के जिम्मेदार सरपंच की माने तो सीसी सड़क का निर्माण पूरित घर से ठाकुरानी मंदिर तक हुआ है, लेकिन इस ग्राम पंचायत में बनी सीसी सड़क की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। पुरित का कहना है जिसके घर से पंचायत के जिम्मेदारों ने सीसी रोड का होना बताया है, उस पुरित का कहना है कि मेरे घर से ठाकुरानी मंदिर तक कोई सीसी रोड नहीं है। और वहां के ग्रामीणों की माने तो ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच ने अपनी मर्जी से सीसी सड़क का निर्माण कर दिया। सीसी सड़क का निर्माण पुरित घर से ठाकुरानी मंदिर तक होना था, लेकिन सीसी सड़क का निर्माण नकुल ठेला से ठाकुरानी मंदिर तक कर दिया। गौरतलब हो कि पुरित घर से लेकर ठाकुरानी मंदिर तक रोड की प्राथमिक आवश्यकता थी और इस मोहल्ले के लोगों को बरसात के दिनों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह उनके घर के पास बरसात के दिनों में पानी का जमावड़ा हो जाता है सीसी सड़क निर्माण की बात सुनकर सीसी सड़क बनने की आस इनमें जगी थी, लेकिन सरपंच के मनमानी कहें या दबंगाई जिसके चलते सरपंच ने रोड को दूसरे जगह निर्माण करवा दिया। अब सरपंच के साथ साथ इंजीनियर पर भी सवाल उठता है और जितने भी जिम्मेदार शामिल हैं उस पर सवालिया निशान खड़े होता है। दूसरी जगह बनने वाली रोड को सरपंच ने कैसे दूसरी जगह बना दिया और उस पर आज रोड बने, लगभग 5 महीने का समय हो गया। जिम्मेदारों पर अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई और जब हमने इस संबंध में इंजीनियर से बात की तो इंजीनियर ने कहा कि मैं सरपंच से पूछकर आपको बताता हूँ। इससे यह सिद्ध होता है कि इंजीनियर ने अब तक निर्माण कार्य की सुध नहीं ली है और इस नकुल ठेला से बने सीसी रोड में भी पंचायत के जिम्मेदारों द्वारा मानकों की अनदेखी व सरकारी नियमों को ताक में न रख कर सड़क का निर्माण कार्य किया गया है और सरकारी राशि का जमकर जिम्मेदारों ने भ्रष्टाचार किया है। इस खबर के बाद अब देखना होगा कि इन जिम्मेदारों पर कब तक कितने दिनों में और किस प्रकार कार्रवाई होती है। रोड यही पुरी के घर मकान हो से हमारा खेत हो के जाना चाहिए ठाकुरानी मंदिर और दूसरा जगह से रोड बनाए हैं, वो भी पुराना जगह रास्ता है, नहीं सवाल नहीं, लेकिन जहाँ बनना था वही नहीं बना, जहाँ नहीं बनना था वही नहीं बनाए हैं। आपने पंचायत को कुछ नहीं बोला? पंचायत को कुछ बोले नहीं बोले, जो मेम्बर सरपंच लोग जानेंगे उसके मत चलाया उन लोग बनाए हैं। पुरी घर से रोड बनना था ठाकुरानी मंदिर तक तो नहीं बना है, नकुल घर ठेला रोड के पास बना है। पूरी दुकान वहीं पे है, वहीं से इधर से भी घूम के जाते हैं उधर से भी घूम के जाते हैं, लेकिन पूरी घर के पास से दो रोड जाता है। आपने नकुल ठेला के पास से रोड को बनाया है पूरी घर से न बना के? हाँ, ये पुराना प्रस्ताव था, हमारा प्रस्ताव नहीं है। लेकिन आपकी ऑनलाइन जानकारी के अनुसार रोड में पूरी घर से ठाकुरानी रोड तक दिखा रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, वो इधर से ना भी ठाकुरानी है उधर से भी जाने का भी था, बीच में क्या हुआ दिलीप के यहाँ ना विवाद होने की स्थिति में हम लोग इधर से ले लिए। विवाद की स्थिति में आपने रोड को चेंज कर दिया? हाँ। तो इसमें एस्टीमेट अलग बनाया क्या? वही नहीं, वही है सर, जाना तो इधर से भी पूरी इधर से भी जाने होता है इधर से भी जाने होता है, लेकिन दो रोड आरंभ हो चुका था, ले आए थे और विवाद स्थिति में इधर से बना दिया। गरियाबंद से जुगेश्वर नेताम की रिपोर्ट, ACN 24।